नहीं सर, रुको रुको, रिवर्स थोड़ा सा। थोड़ी सी रिवर्स करो, मे बी 2 फुट या 1.5 फुट, और उसके बाद में एक फ्लो के साथ स्टार्ट करो फर्स्ट गियर में। थोड़ी सी और, हाँ बस दैट्स गुड इनफ। फर्स्ट गियर, गियर 1, थोड़ी सी पीछे करके एक और ट्राई लो। नीचे लग रही है, ओके चलो। नीचे लग रही है, मे बी रट्स बहुत ज्यादा गहरे हो गए, ज्यादा गहरे हो गए। शॉवल तोड़ दिया पिछले हफ्ते। इधर से छोटे वाली से भी हो जाएगा, लातों से भी हो जाएगा। एक गाड़ी जाएगी, बन जाएगा ट्रक। सो एंडेवर भी बीच हो रही है। सब मोमेंटम चाहिए। हाँ, इस गाड़ी में लिफ्ट किट नहीं है, कंप्लीटली स्टॉक गाड़ी है। इससे सबसे पहले जो प्रणव वाली फॉर्चुनर है वो क्रॉस कर गई थी बिना टच के हुए, बट उसके अंदर थोड़ी सी लिफ्ट किट है 2 इंचेस की। बट उसके सिवाय डिफेंडर भी बीच हुई है, न्यू थार भी बीच हुई है। न्यू थार का थोड़ा टायर प्रेशर एडजस्ट करके एक और ट्राई करेंगे अभी। डिफेंडर को ट्राई करेंगे एक बार, अगर ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया नीचे, क्योंकि नीचे लग रही है, ब्रांड न्यू कार है, उसको डैमेज नहीं कर सकते हम। देखते हैं, और कुछ नहीं जाएगा तो लास्ट में मेरी कार तो आएगी। रैंगलर के लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, उसमें लिफ्ट किट भी है, टायर्स भी बड़े हैं, तो विल ट्राई विद रैंगलर। थोड़ी सी नीचे लग के गई है, बट मजे में क्रॉस कर गया, गुड। सो ओपन डिफ्स आगे पीछे, प्योरली ट्रैक्शन कंट्रोल पे आई है। एंड ये तो नीचे लगी भी नहीं, थोड़ा सा डिफ का सेंटर पार्ट लगा है, बट गुड फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल। ओ थोड़ा सा फ्लो यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड कैरी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वाली देखो प्रॉब्लम सभी के साथ है ही है। यहाँ पे ये गाड़ी भी तो नीचे लग रही है, थोड़ा सा फ्लो यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड के साथ मोमेंटम थोड़ा सा कैरी करके। या तो गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस इतना हो और ट्रैक्शन एड्स बहुत बढ़िया हो, फिर भी कर सकते हैं हम। बहुत स्मूथली आई है, बहुत स्मूथ, ज़्यादा लगी भी नहीं। अब ट्रैक बहुत स्मूथ हो गया, अब है ना, दो गाड़ियाँ बढ़िया सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गए ना, अब बढ़िया मज़े में निकलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि जिसको BLD बोलते हैं, और जो MLD पीछे वाला ऑटो लॉकिंग डिफ लैक है, दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट था अभी, बहुत मज़े में आई है। हालांकि ट्रैक पहले जितना डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत बढ़िया मज़े में आई है। बहुत स्मूथ, क्योंकि बहुत बड़े टायर्स हैं, लिफ्ट किट है तो नीचे लगने का सवाल नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत अच्छा काम करता है। सो दिस वन इज V6 पेट्रोल रैंगलर। वीडियो के लिए बहुत अच्छा मैदान तैयार था, थोड़ा सा मोमेंटम लेके आता तो
बनी नहीं बात। अच्छा कैलिब्रेशन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का कैलिब्रेशन इज गुड। एक बार टायर रुकता है फिर पावर डाइवर्ट करती है, प्रेटी गुड, मच बेटर देन फोर्ड एंडेवर। रोको 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 रोको, कौन सा लॉकर लगाया हुआ है? कोई लॉकर नहीं, ओपन डिप लाइट है। तो अब एक काम करो, गाड़ी को रोको, लो रेंज में फर्स्ट गियर में दोनों लॉकर एंगेज करो। पहली बार एंगेज कर रहा हूं। तो लगवाए किस लिए थे? नहीं नहीं, मैं सोचा अभी उसका पहली बार फिल्टर खोला है ना, तो मैंने एक बार नीचे करके देख लिया कंप्रेसर। ऑन करो, आवाज से पता चल जाएगा। कंप्रेसर ऑन, लेकिन आवाज नहीं है। ऑन है, श्योर। दोनों लॉकर लगाओ, हल्के पंजे पे फर्स्ट गियर में उठाओ। पहले रियर लगा रहा हूं। नहीं नहीं, दोनों लगाओ, दोनों लगा लिए। बहुत हल्के पंजे पे आगे गाड़ी उठाओगे आप, और रेस दबाओगे नहीं, बहुत हल्के पंजे पे 20% थ्रॉटल दोगे, 20% थ्रॉटल। रुको, पीछे का एंगेज दिए नहीं आपका, आपकी चाबी ऑन है, मास्टर मास्टर की इसकी। अब ऑन हुआ था, अब ऑफ है। हाँ ठीक है, चलो हल्के पंजे पे पावर दो, थोड़ी पावर दो, हल्की सी पावर दो। हाँ दो 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 दो। रोक रोक रोको, स्टॉप। क्या बजा? कुछ नहीं बजा। अब फ्रंट लॉकर को डिसएंगेज करो। फ्रंट लॉकर हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सिर्फ क्रॉलिंग में चलेगा। फर्स्ट सेकंड गियर में यूज करोगे हल्के पंजे पे, ठीक है। रियर भी ऑफ कर लो, मोड़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ऑफ रखो। मैं कंप्रेसर भी ऑफ कर दे रहा हूं। हाँ, पूरा तीनों सिस्टम ऑफ कर दो। सो मेरी कार की तरह ये कार भी ट्विन लॉक्ड है। थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ किया, फ्रंट बीएलडी जो ट्रैक्शन कंट्रोल है इस बार स्मूथली ने डाइवर्ट किया। फर्स्ट लो लगाओ सर,
फर्स्ट हाफ थ्रॉटल आवाज नहीं जा रही सर, फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में आ गए आएगी मजे में आएगी। इस बार ही डाइवर्ट नहीं किया फ्रंट BLD जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, इस बार स्मूथली नहीं डाइवर्ट किया। फर्स्ट लो लगाओ सर, फर्स्ट हाफ थ्रॉटल आवाज नहीं जा रही है सर। फर्स्ट में आगे फर्स्ट में आगे गलत टाइम पे वो जैसे ही डाइवर्ट करने लगा वैसे पावर कट कर दी। फर्स्ट लगाओ सर, फर्स्ट में आगे क्रॉल करो। ओ थोड़ी सी इतनी इतनी सी पीछे और फिर थोड़ी सी और पीछे करो। हाँ रेडी हो रही है क्या सर? अब डाइवर्ट नहीं कर रहा है यार, MLD सिस्टम। बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट लगा के यहीं से उठा। डाइवर्ट तो कर रहा है पावर, नहीं जा रही है। फॉर्चुनर 3 ट्राई कर चुकी है, एंडेवर 2-3 ट्राई कर चुकी है, अब अगर नई थार चढ़ गई कैपेबल गाड़ी बता साला मजा आ जाएगा। So this is the new Thar, petrol, completely stock Thar. Amazing, amazing. So we have one more endeavor trying. ऊपर जाके बीच हो गई है। एंड दिस इज डिस्पाइट द लिफ्ट किट, इस गाड़ी में लिफ्ट किट लगी हुई है 2 inches की। रिवर्स कराओ, डिफ के ऊपर बैठिए।
वेरी गुड अल्टीमेट अटेम्प्ट। एटलीस्ट एक लॉकिंग डिफरेंशियल चाहिए, एटलीस्ट पीछे वाला। रिवर्स करवा दो रिवर्स। सो अभी बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद में बहुत डीप रट्स हो गए हैं दोनों साइड को और अब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब इसको कोई भी कार क्रॉस करेगी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद में जब भी गीली मिट्टी होती है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हर फेल्ड अटेम्प्ट के बाद में बहुत डिफिकल्ट होता चला जाता है। तो इसकी सिचुएशन हमेशा सेम नहीं है बैक टू बैक। तो हर को एक बार ही और ट्राई करवाते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज है अभी ऑब्स्टिकल, अगर अब भी क्रॉस कर जाती है तो द कार इज़ अमेजिंग। मेनली लॉकिंग डिफरेंशियल मस्ट है यहाँ पे, बिना लॉक डिफरेंशियल के बिना नहीं जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल भी हेल्प करता है। अब बहुत डिफिकल्ट हो गया सर, पावर आपने पहले कट कर दी, पावर कट नहीं कर रहा है। ओके मे बी पावर कट कर दी, दैट कैन बी वन फैक्टर। मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा है और पावर कट नहीं करनी है, फ्लोर करके रखना है। पंजा नहीं छोड़ना है। अब नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी, इधर नहीं जाती, नहीं जाती। गीली मिट्टी में क्रॉल नहीं करती कभी गाड़ी। सेकंड लो लेके, हाँ यहाँ पे आपका पंजा दबा होना चाहिए जब वो खोद खोद के आगे जाएगी। अब बहुत डिफिकल्ट हो गया, अब ये ट्विन लॉक्ड का गेम हो गया। कैसा लग रहा है आपको सर? रियर लॉकर पर आई है गाड़ी, नो फ्रंट इंगेज। अंशुमन साई सुजू ऑब्स्टिकल इतना खुद गया है, इवन जिप्सी भी स्ट्रगल करती है।